Hello everyone, I am Bhavna Saxena from Lyal Public School. Today we are going to explain work of chapter number 12. Chapter number 12 of SST, Early Humans. Okay, first question is dictation word. Dictation word is number 1, Anster. A-N-C-E-S-T-O-R. Number 2, Skull. S-K-U-L-L. Number 3, Weapons. WEAPONS. Number 4, Gathering. GATHERING. Number 5, Chimpanzee. CHIMPANZEE. Next, Scientific. SCIENTIFIC. Next, Scared. SCARED. Edible. EDIBLE. Farming. FARMING. Domestication. DOMESTICATION. Next question. Question number 2 is fill in the blanks. Number 1. Early humans learned how to make a dash. Early humans ne kya sikha? Fire banana. F-I-R-E. Fire. Early humans begin dash and settle down. जब अर्ली ह्यूमंस ने क्या सीखा कि उसके बाद वो सेटल हो गए. आंसर इज फार्मिंग. नंबर 3, द साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन बीइंग इज. ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम क्या रखा गया? होमो सेपियंस. नंबर 4, अर्ली ह्यूमंस वर नोन एज डैश. अर्ली ह्यूमंस जो थे उनको हम किस नाम से जानते थे? हंटर गैदरर्स. नंबर 5, अर्ली ह्यूमंस यूज्ड डैश टूल्स फॉर हंटिंग. स्टार्टिंग में अर्ली ह्यूमंस जो थे वो किसके बने हुए टूल्स लेते थे? स्टोन के. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज ट्रू और फॉल्स. नंबर 1, अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन हाउसेस. अर्ली ह्यूमंस जो थे वो हाउसेस में रहते थे. नो, दिस फॉल्स. अर्ली ह्यूमंस ड्रू पेंटिंग ऑन केव वॉल्स. अर्ली ह्यूमंस जो थे वो केव की जो वॉल्स होती थी उस पर पेंटिंग ड्रॉ करते थे. यस, इट इज ट्रू. Number 3, early humans did not know how to read and write. Early humans read and write karna nahi jante the. It is true. Number 4, the life of early humans was very easy. Early humans jo the unki life easy thi. No, it is false. Early humans learned to use fire to cook their food. Early humans ne sikha ki kaise fire se food ko cook kiya jata hai. Yes, it is true. Next question, question number 4. Tick the correct option. In dash time, the earth was very different from what it is today. बहुत पहले अर्थ आज के टाइम से बहुत अलग थी. Modern, prehistoric या ancient? Answer is prehistoric. Number 2, thousands and thousands of years ago, humans and dash had a common ancestor named the great ape. इनमें से कौन सा एनिमल था जिसको कॉमन माना जाता था अर्ली ह्यूमंस की तरह? चिंपैंजी, लायन या टाइगर? आंसर इज चिंपैंजी. नंबर 3, अर्ली ह्यूमंस कवर्ड देमसेल्व्स विद डैश ऑफ एनिमल. एनिमल्स की किस चीज से अर्ली ह्यूमंस अपने आप को कवर करते थे? टॉवल, सिल्क क्लोथिंग, स्किन? आंसर इज स्किन. नंबर 4, ग्रोइंग क्रॉप्स मीन दैट द अर्ली ह्यूमंस वुड हैव टू लिव इन अ डैश. ग्रोइंग क्रॉप्स के कारण जब वो क्रॉप्स ग्रो करने लग गए तब अर्ली ह्यूमंस को कैसे रहना पड़ा? इन अ फिक्स्ड प्लेस, इन द ट्रीज, ऑन द ग्राउंड. आंसर इज इन अ फिक्स्ड प्लेस. एक ही जगह रहते थे वो. नंबर 5, वन ऑफ द फर्स्ट क्रॉप्स ग्रोन बाय अर्ली ह्यूमंस वाज डैश. सबसे पहले उन्होंने क्या, कौन सी क्रॉप्स को ग्रो किया? पोटैटो, राइस, व्हीट. आंसर इज व्हीट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग. रूट्स ऑफ प्लांट. रूट्स ऑफ प्लांट से हम मैच करेंगे फूड ऑफ अर्ली ह्यूमंस. अर्ली ह्यूमंस जो थे वो प्लांट्स की रूट को भी ईट करते थे. व्हीट एंड बेरले. आंसर इज फर्स्ट क्रॉप ग्रोन. सबसे पहले अर्ली ह्यूमंस ने क्या ग्रो किया था? व्हीट एंड बेरले. नंबर 3, फायर. कुकिंग फूड. फायर से वो क्या करते थे? फूड कुक करते थे. नंबर 4, टूल्स यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस. जो टूल्स थे वो किस लिए यूज किए जाते थे? मेड ऑफ स्टोन. किस चीज के होते थे? स्टोन के बने हुए. ग्रोइंग क्रॉप्स. आंसर इज बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ. क्रॉप्स के कारण क्या हुआ? वो एक जगह रहना सीख गए.
Next question, question number 6 is give answer in one word. Number 1, what is the period called when early humans used tools made of stone? जब early humans जो थे वो stone के बने हुए tool use करते थे उस period को क्या कहा जाता है? Answer is stone age. Number 2, what is the name of common ancestor of humans and chimpanzee? इनका क्या नाम रखा गया था जब chimpanzee और humans को एक ही नाम दिया गया था? The great ape. Number 3, what is the meaning of homo sapiens? Wise man. इसका क्या मीनिंग होता है? Wise man. Number 4, who helps us to learn about the early humans? Early humans के बारे में जानने के लिए हमें क्या हेल्प करता है? Archaeologist. Next, question number 7, name them. The life of early humans was, कैसी थी उनकी life? Difficult and dangerous. Number 2, early humans made clothes using, किसके बने हुए क्लोथ्स पहनते थे? एनिमल स्किन के. नंबर 3, अर्ली ह्यूमंस डिस्कवर्ड दैट फायर स्केयर्ड अवे. अर्ली ह्यूमंस को क्या पता चला कि फायर के जलाने से कौन दूर हो जाता है, कौन डरता है? वाइल्ड एनिमल्स. नंबर 4, द फर्स्ट क्रॉप्स ग्रोन बाय अर्ली ह्यूमंस वर, कौन सी क्रॉप्स थी जो सबसे पहले अर्ली ह्यूमन ने ग्रो करी? वीट एंड बेले. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग. नंबर 1, two things by which early humans made tools. दो ऐसी चीजें जिससे early human जो थे वो tools बनाते थे. Stones and animal bones. Number 2, two ways in which early humans used fire. Cook raw meat and keep themselves warm. Fire का use वो किसमें करते थे? Cook raw meat and keep themselves warm. Number 3, two food items that early humans ate. Wild fruit, nuts and seeds. वो क्या खाते थे? फ्रूट, नट एंड सीड्स. नंबर 4, टू थिंग्स दैट चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस. दो ऐसी चीजें जिन्होंने अर्ली ह्यूमंस की लाइफ चेंज कर दी. डिस्कवरी ऑफ फायर एंड डिस्कवरी ऑफ फार्मिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग. एंगस्टर, समवन रिलेटेड टू यू हु लिव्ड इन अ लॉन्ग टाइम अगो, जो हमसे रिलेट करते हों और बहुत समय पहले के हों. Remains, the body or any part of a dead human being or an animal. Dead animal या human being हो जिनकी body हो या उसका कोई part हो, उसे हम कहते हैं remains. Next question is difference between early humans and modern human being. They lived in caves, modern human being lived in houses. Number 2, they used to wear animal skin. Early humans क्या पहनते थे? Animal skin पहनते थे. Modern human being क्या करते हैं? They wear clothes. They eat raw meat as a food, but modern human being eat cooked food. Number 4, they did not read and write, but modern human being know how to write, read and write. Number 5, they move from one place to another. Modern human being are settled at one place. Okay, now next question is answer the following questions. Question number 1, what is meant by prehistory? When early humans first appeared on the earth, जब सबसे पहले early humans earth पर आए, they did not know how to read and write. So there is no written record on this time. This time is known as prehistory. वो लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए उस समय का कोई हमारे पास record नहीं है और उसी time को हम prehistory कहते हैं. Number 2, what does an archaeologist do? Archaeologists help us learn about the early humans. Early humans के बारे में जानने में हमारी मदद करते हैं. They dig into the earth to find remains such as bones of people and animals they lived in the past. जो बहुत टाइम पहले people and animals नहीं रहे थे, उनकी जो bones होती हैं, उनके remains जो वो हैं, earth के अंदर से निकाल कर past के बारे में पता करते हैं. Number 3, list the food items eaten by the early humans. वो item, food item बताने हैं जो early humans eat करते थे. Early humans ate berries, nuts and roots. They also hunted animals for meat, which they ate raw, जो कि वो बिना cook किए खाते थे. Because they had not learned how to make fire. क्योंकि उस समय वो क्या थे? उनको नहीं पता था fire क्या होती है. Question number 4, how did learning to make fire affect human life? किस तरह से fire के आने से human life की जो change हुई? By learning to make fire, humans could keep themselves warm.
ड्यूरिंग विंटर. विंटर में उन्होंने अपने आप को वार्म रखना सीखा. स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स, उससे वाइल्ड एनिमल्स दूर हुए. एंड रोस्ट मीट विच मेड इट बोथ टेस्टी एंड इजी टू च्यू. और उन्होंने जो उनका फूड था उसको जो है कुक करना सीखा, जिससे कि वो टेस्टी भी हो जाए और इजी टू च्यू, खाने में भी सही रहे. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट वेज डिड फार्मिंग चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस. किस तरह से फार्मिंग के होने से अर्ली ह्यूमंस की लाइफ चेंज हुई. फार्मिंग चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस बाय अलाउइंग देम टू सेटल डाउन इन अ फिक्स्ड प्लेस. वो एक ही जगह पे रहना सीखे. ग्रुप्स ऑफ पीपल लिव टुगेदर एट वन प्लेस. एक ही जगह पे धीरे धीरे ग्रुप बनता गया लोगों का. एंड फॉर्म अ विलेज. और क्या बन गया उससे, एक विलेज बना. दे ऑल्सो लर्न टू मेक हट्स विद ड्राई ग्रास, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड एनिमल स्किन. धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, मड से, ड्राई ग्रास से, ब्रांचेस से, उन्होंने एनिमल स्किन से एक जगह अपना हट बनानी सीखी. और इस तरह वो एक ही जगह रहना सीखे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड चैप्टर नंबर 12. ओके, डू नीट एंड क्लीन वर्क इन योर नोटबुक. थैंक यू.